व्हाट इज SERP सर्च रिजल्ट पेज। कई बार होता क्या है कि आप गूगल के फर्स्ट पेज पे रैंक भी कर जाते हो, जो नॉर्मली फर्स्ट पेज होता है, फर्स्ट रिजल्ट, उस पर रैंक करने के बाद भी उस पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्लिक्स नहीं मिलते। अगर उस सर्च पेज पे यानी कि उस पर्टिकुलर कीवर्ड में एक ऑलरेडी SERP सर्च रिजल्ट पेज वाला जो कॉन्टेंट होता है वो रैंक कर रहा है। आज इस वीडियो में हम इन डेप जानेंगे एंड एक्सप्लेन करेंगे SERP होता क्या है, इसको कैसे गूगल इसको ट्रीट करता है एंड इसे एज ए SEO आपको क्या क्या बेनिफिट्स हो सकता है, वो सारे चीजें इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। SERP का फुल फॉर्म है सर्च रिजल्ट पेज। ये गूगल का एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा एल्गोरिथम है, जब कोई यूजर या विजिटर गूगल पे कोई क्वेरी सर्च करता है यानी कि इंफॉर्मेशनल कीवर्ड सर्च करता है, तो इन रिस्पॉन्स टू दैट विजिटर गूगल क्या करता है कि उनको जो है सबसे बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट शो करवाने की कोशिश करता है। अब हालांकि हर कीवर्ड पे यहाँ पर हजारों वर्ड के कॉन्टेंट लिखे हुए होते हैं, लेकिन उनमें से गूगल जो है ना एक पर्टिकुलर पैराग्राफ या फिर कुछ लिस्ट या फिर कुछ इमेजेस या फिर कुछ प्रोडक्ट्स वगैरह उठा के गूगल की एकदम टॉप पे जो है वो शो करवाता है, ताकि यूजर को वहीं से ही उस चीज के बारे में पता चल जाए जो चीज वो सर्च कर रहा है। अब ये SERP जो है ना वो ये कई तरीके के होता है, मोर देन 11 या 15 तरीके का SERP होता है। लाइक कहीं पर आप अगर सर्च करो किसी का एज तो एज दिखा दे रहा है डायरेक्टली, वेदर दिखा देता है, प्रोडक्ट्स वगैरह अमेजोन के प्रोडक्ट्स वगैरह दिखा देते हैं, इवन छोटा मोटा जो क्वेरी यानी कि जो क्वेश्चन रिलेटेड क्वेश्चन टाइप का होता है तो वो भी दिखाता है। इसको एक और तरीके से भी जाना जा सकता है जिसको हम बोलते हैं स्कीमा या फिर रीच स्निप। पल के तौर पर मैंने यहाँ पर सर्च किया है बेस्ट फिटनेस बैंड अंडर 500 रुपीज। तो SERP का इतना पावर है कि आप अगर आपका कोई नया वेबसाइट भी है तो उससे भी आप बड़े बड़े महारथियों को भी बीट कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देख सकते हो रिजल्ट में जो फर्स्ट रैंक कर रहा है Amazon, सेकंड पे रैंक कर रहा है Flipkart और उसके बाद टेक रेडर, बैंगूड और स्मार्ट ट्रिक्स, मतलब बहुत सारे बड़े बड़े वेबसाइट है, लेकिन उन पे भी उनको भी बीट करके ईजिली ये एक वेबसाइट है जो कि मेरा ही वेबसाइट है shophelper.in, तो इसको मैंने बीट कर लिया है। तो ये होता है SERP का पावर। अकॉर्डिंग टू गूगल की आजकल के टाइम पे जो 40% एडल्ट है इंटरनेट यूजर्स वो गूगल में वॉइस सर्च के थ्रू अपना क्वेरी सॉल्व करते हैं एंड यहाँ पर एक बहुत ही ह्यूज नंबर ऑफ विजिटर्स से जो कि पोटेंशियल ट्रैफिक है आपके वेबसाइट के लिए। तो गूगल ये 2018-17 से ही रिकमेंड कर रहा है कि आप लोग अपने कॉन्टेंट को गूगल सर्च फ्रेंडली करो, यानी कि कोई अगर सर्च करे तो जिस तरीके से वो सर्च करता है उस तरीके से आप जो है कंटेंट को ऑप्टिमाइज करो, ना कि कीवर्ड के हिसाब से। अब यहाँ पर गूगल बहुत ही अच्छे तरीके से समझता है हर एक कंटेंट को, हर एक वर्ड को अपने सर्च एल्गोरिथम के थ्रू, तो उसके थ्रू वो पता लगा लेता है कि कौन सा क्वेरी कब सर्च करने पर कौन सा रिजल्ट का, कौन सा पेज का, कौन सा हिस्सा हमें दिखाना है। नाउ ये तो हम लोगों ने जान लिया कि SERP क्या है एंड इनका बेनिफिट्स SEO में क्या है। अब जान लेते हैं कि कैसे आप जो अपनी वेबसाइट के लिए SERP ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं। SERP ऑप्टिमाइजेशन बिल्कुल सिंपल है। अगर आप ऑर्गेनिकली ब्लॉगिंग कर रहे हैं यानी कि आप पैशन में ब्लॉगिंग कर रहे हैं, आप जिस चीज पे माहिर है उस पे ऊपर ब्लॉग कर रहे हैं, तो आपका लिखने का स्टाइल और एक और बंदा जो सिर्फ इनकम करने के लिए ब्लॉगिंग कर रहे हैं उसका लिखने का स्टाइल, दोनों का बहुत ही डिफरेंस होगा। एक एक्चुअल डॉक्टर अगर एक हेल्थ नेश या फिर हेल्थ वेबसाइट खोले तो उसमें वो बहुत ही डिटेल में, बिकॉज उसको सारे प्रॉब्लम्स पता है, क्या क्या क्वेरीज होती है पेशेंट्स के, वो सारे कुछ पता है, तो बहुत ही आसानी से 1000-2000 वर्ड का पूरा कॉन्टेंट लिख डालेगा। लेकिन जो बंदा डॉक्टरी से बिलोंग भी नहीं करता वो भी अगर हेल्थ नेश पे चला जाए और उसी सेम टॉपिक को पकड़े तो वहाँ पर बस वो लिखेगा कंटेंट, बस उस कीवर्ड के इर्द गिर्द घूमेगा, दूसरे जगह से कंटेंट वगैरह उठाएगा। बट यहां पर लॉजिक यहीं पर आता है, गूगल ये चीज समझता है कौन एक्चुअल में डॉक्टर टाइप का काम कर रहा है और कौन डॉक्टर टाइप का काम नहीं कर रहा है। तो इस हिसाब से अगर आप अपने कंटेंट को बिल्कुल यूजर फ्रेंडली यानी कि जो सर्च उस टॉपिक के रिलेटेड जो सर्च क्वेरीज है उसके रिगार्डिंग जो प्रॉब्लम्स है, मैंने लास्ट टाइम वीडियो बनाया था कंटेंट फॉर इंटेंट को लेकर, अगर उस चीज को आप ढंग से समझ लिया हो तो ये वो चीज यहां पर भी बहुत जबरदस्त काम करती है। अगर आप अपने कंटेंट के अंदर छोटे छोटे उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेरीज है यानी कि जितने भी छोटे मोटे क्वेश्चन है जो FAQs वगैरह होते हैं उनको अगर आप सॉल्व करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा चांसेस रहता है, भले ही आपका आर्टिकल टॉप पे रैंक करने की क्षमता ना रखे, बट उस एक पैराग्राफ या फिर एक हेडिंग या फिर एक लिस्ट के
वजह से वो टॉप पे रैंक कर सकता है। इवन दो अगर आप कहीं कहीं बार रीच स्नीप या फिर गूगल का जो स्कीमा है, सर्च स्कीमा मार्कअप जो है, उसको अगर आप यूज करते हो तो आपका वहां पर भी चांस बन जाता है कि आप गूगल के टॉप पे रैंक करो। अब ये यहाँ पर मैंने बता दिया, अगर आप लोग को प्रैक्टिकली जानना है, सीखना है SERP और ये रीच रिजल्ट्स वगैरह, तो इसके लिए आप एनरोल कर सकते हैं SEO माफिया प्रो में, जहाँ पर मैंने पूरा प्रैक्टिकली डेडिकेटेड वीडियो सेशन करके रखा है, जहाँ पर मैंने A to Z बताया है स्कीमा के बारे में, रीच रिजल्ट के बारे में, रीच स्निप के बारे में, कि इसको कैसे ऑप्टिमाइज करते, कैसे कैसे बनाते हैं। सो गाइस, ये था पूरा का पूरा SERP यानी कि सर्च रिजल्ट पेज। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। डेफिनेटली आज से ट्राई करना कि आप SERP के ऑप्टिमाइजेशन पे ध्यान दे, एंड नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ आप में से कितने सारे लोगों का SERP में जो है वो रैंक किया है, यानी कि सर्च रिजल्ट पेज में टॉप में जो है आपका आर्टिकल रैंक किया है, जरूर से कमेंट बॉक्स में बताना। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।